वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद तस्सू। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जो मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। मैंने 500 ग्राम कटहल लिया है जिसको अच्छी तरीके से धो लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई एक चमचे के करीब ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को भुनने के बाद थोड़ी सी हींग डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को भुनने के बाद हम इसमें कटहल डाल देंगे। कटहल को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से सारे कटहल को डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद कटहल को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का इसे ब्राउन कर लेंगे। कटहल फ्राई हो चुका है। चलिए अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे कटहल को इस बर्तन में निकाल लेना है। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। दो प्याज ली थी जिसको बारीक काट लिया है। तीन हरी मिर्च ली थी। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। 5 से 6 लहसुन की कली ली थी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने मिक्सी का जार लिया है। प्याज डाल दी है, अदरक लहसुन हरी मिर्च को इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। इसका पेस्ट बना लेंगे एक। मैंने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रेशर कुकर में एक चमचे के करीब ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। गर्म होने के बाद आधा चम्मच के करीब हींग डाली है, आधा चम्मच ज़ीरा। इस मसाले को प्याज लहसुन के पेस्ट को डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें आधा कप पानी डालकर ताकि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। अब देख सकते हो मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। चलिए अब हमने जो कटहल फ्राई किया था अब इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरीके से सारे कटहल को डाल दिया। इसे अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले को। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें आधा कप पानी डालकर इसमें 2 से 3 सीटी लगा देंगे। प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। इसमें 2 से 3 सीटी लगा लिए हैं। चलिए अब हम खोल के देख लेते हैं कटहल बना है नहीं बना। कटहल बन चुका है। इसे अच्छे तरीके से भून देंगे। आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से भून चुका है। इसमें हम आधा चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम एक बर्तन में इसे सर्व कर देते हैं। इस तरीके से मैंने इस बर्तन में निकाल लिया है। सो गाइस, कटहल की सब्ज़ी बन चुकी है। आपको कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।